आपके पास इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड हो और मैं कहूँ आप भारत के नागरिक नहीं हो तो मैं पागल या आप पागल? कौन पागल? आपके पास सब कुछ है और कोई कहे कि आप डिजर्व नहीं करते? भाई साहब एनसीएसटी की क्लियरेंस हमारे पास है, आरजीआई की क्लियरेंस हमारे पास है, जम्मू कश्मीर संविधान के अमेंडमेंट की कॉपी हमारे पास है, ये सारी हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास है। अब अगर कोई कहे कि हम डिजर्व नहीं करते, ये उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। और मेजोरिटी जो लोग हैं, मेजोरिटी लीडर्स कह रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं, ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए। अब कुछ लोग अगर कहेंगे हम डिजर्व नहीं करते, कोई कहे आपका नाम बैंग नहीं, आप शाहरुख खान हो, तो भैया आपको मैं बैंग हूँ, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, आप सब कुछ अपना शो करो तब भी कि आप शाहरुख खान हो, तो उससे आप बहस करना उचित और अनिवार्य नहीं समझते। और हम ऐसे लोग जो सारे तथ्य जानने के बाद भी कहते हैं हम डिजर्व नहीं करते, इनका हक है, तो ये लीगली भी अब हमारा हक है। सरकार ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनली ट्राइब का खिता दिया है, हमें ट्राइब 2021 से पहले हम ट्राइब नहीं थे, हमें ट्राइब इस सरकार ने बनाया है, हमें रिजर्वेशन इस सरकार ने दी और हमारे साथ लीगली हमारे केस को इस सरकार ने क्लियर किया। इतनी सौगातें इस सरकार ने हमें दी है, अब ट्राइब से शेड्यूल ट्राइब बनाना है वो भी यही सरकार देगी। अभी हमारे साथ विक्रांत शर्मा जी मौजूद हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर पहाड़ी ट्राइब एसटी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया टैंक साहब समय देने के लिए। सर आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कारण है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? देखिए आज हमारी एक जनरल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे पहाड़ी कबीले के जितने लोग हैं, चाहे वो राजौरी पूंछ में रहते हैं, करना बोनियार में रहते हैं, कश्मीर वैली में रहते हैं, हमारा उनसे एक संदेश है कि बहुत ही संजीदगी के साथ पिछले 4 साल से मौजूदा सरकार ने होमवर्क किया है पहाड़ी कबीले को इंसाफ देने के लिए। 2019 की बात करें, डीडी शर्मा साहब की कमीशन की बात करें, 2021 में जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर अमेंडमेंट की बात करें, जब पहाड़ी स्पीकिंग पीपल को पहाड़ी एथनिक पीपल करार दिया गया, 2022 के अंदर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की क्लियरेंस की बात करें, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की क्लियरेंस की बात करें, बिल इंट्रोड्यूस होने की बात करें, तो 4 साल में इतनी संजीदगी से होमवर्क हुआ है हमें एसटी देने के लिए। अब थोड़ा सा डिले है, हम चाहते हैं कि ये डिले का टाइम स्पेंड कम हो और 2024 हमारे लिए खुशखबरी लाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम सभी अपने साथियों को बोलना चाहेंगे कि आप इस सरकार की संजीदगी, इस सरकार की इंटेंशन को देखें कि किस प्रकार इन्होंने ग्राउंड जीरो से होमवर्क करके हमें इंसाफ देने के लिए मेहनत की है। विकास सर, जिस तरह से अभी जो लास्ट सेशन हो गया तो पहाड़ी लोगों को काफी उम्मीदें थे कि आज जो है अब एसटी जो है पहाड़ियों को मिलने वाला है, इस सेशन में तो पहाड़ियों को एसटी नहीं मिला, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमें उम्मीद थी कि हमें एसटी मिलेगा क्योंकि बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कई बार हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बिल इंट्रोड्यूस होना एक बहुत बड़ी बात होती है कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट जो है, आप समझते हैं कि कितना बजट लगता है हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए, वही बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं। नेशनल इंपॉर्टेंस का हमें इस सरकार ने समझा, हमारे लिए यही बड़ी बात है कि उन्होंने हमें नेशनल इंपॉर्टेंस समझा और हमारा बिल इंट्रोड्यूस हुआ। और मुझे लगता है कि देखिए 18 दिन का सेशन था, 18 बिल थे, बिल हमारे 2 जम्मू कश्मीर के पास हो गए, बाकी बिल पास होने थे लेकिन बीच में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी जम्मू कश्मीर को लेके, यहाँ पे इलेक्शन करवाने का भी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और बहुत सी ऐसी थी जिसमें शायद गवर्नमेंट की टाइमिंग जो थी, प्रायोरिटी थी, वो थोड़ी डिफर कर गई कि कौन सी टाइमिंग फिट रहेगी पहाड़ी कबीले को एसटी देने की। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें सरकार की डिस्क्रिप्शन पे हैं, तो हमें सरकार पे विश्वास रखकर सरकार पे ही छोड़ना चाहिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से एसटी कम्युनिटी के लोग जो है इसको अपोज कर रहे थे कि पहाड़ियों को एसटी ना दिया जाए, तो वो कहते हैं कि ये सब जो है डोल्यूशन जो है होगी अगर पहाड़ी को एसटी मिल जाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है इस दबाव में आ गई कि एसटी जो कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? आप ये जो देश के होम मिनिस्टर साहब है अमित शाह साहब, आपको लगता है कि ये दबाव में आते हैं? लगता है आपको कि ये दबाव में आ सकते हैं? लेकिन होम मिनिस्टर साहब वो होम मिनिस्टर साहब है, आप समझें कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, और इन्होंने ये बार बार कहा है। आप जानते हैं, आप जर्नलिज्म की दुनिया से हैं और आप हर एक कंटेम्प्रेरी इशू को जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब भगवती नगर जम्मू में आए, वहां वादा किया, रजौरी गए वहां वादा किया, आप वहां पे बारामूला गए वहां वादा किया,
किया, पार्लियामेंट के हाउस के अंदर कितनी बार बोल चुके हैं। वो 6 दिसंबर को जब अमित शाह सब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा ये 2 बिल मेरे जुरिडिक्शन के थे, मैंने इंट्रोड्यूस किए। अब जो एसटी का बिल है वो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी इंट्रोड्यूस करेंगे। दूसरी बात यह है कि अर्जुन मुंडा जी ने वो बिल इंट्रोड्यूस करना था, शायद कुछ सरकार की प्रायोरिटी थोड़ी डिफर कर गई। और उसके बाद जब दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें सवाल पूछा कि अगर आप पहाड़ी कबीले को उनका हक देंगे तो वहां जो अदर ट्राइबल्स है क्या उनका हक तो नहीं खाया जाएगा, अब होम मिनिस्टर की बात से बढ़के कोई बात तो हो नहीं सकती, होम मिनिस्टर की गारंटी से बढ़के कोई गारंटी हो नहीं सकती। और होम मिनिस्टर गारंटी कह रहा है कि किसी का हक नहीं खाया जाएगा। मुझे लगता है होम मिनिस्टर साहब जब 10 बार गारंटी दे चुके हैं तो मुझे लगता है कि 10 बार गारंटी देने वाले होम मिनिस्टर साहब अपनी बात से पलटेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं आपके साथ मजाक हो रहा है, क्योंकि काफी उत्तेजित जो है पहाड़ी लोग थे कि इस बार ये एससी मिल जाए। मुझे लगता है कि मजाक हमारे साथ हुआ है 2019 से पहले, हमारे साथ मजाक हुआ 70 साल। 2019 के बाद हमें 4% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में मिली। 2019 के बाद हमारी पहाड़ी को ट्राइब को एसटी देने की जो फाइल है उसको बेसिक तरीके से तैयार किया गया। उसके बाद सारी एनसीएसटी आरजे की क्लीयरेंस मिलने का मजाक है, ये सारी क्लीयरेंसेस मिलने के बाद डिलीटेड यूज होना मजाक नहीं है, क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशनली भी हकदार है, लीगली भी हकदार है। अरे भाई जिस बात पर नेशनल कमीशन का शेड्यूल ट्राइब कह रहा है कि नहीं एसटी दो, हाईएस्ट बॉडी है, जिस बात पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली दिस इज राइट, इनका हक है, तो ये लीगली भी अब हमारा हक है। सरकार ने हमें कॉन्स्टिट्यूशनली ट्राइब का खिता दिया है, हमें ट्राइब 2021 से पहले हम ट्राइब नहीं थे, हमें ट्राइब इस सरकार ने बनाया है, हमें रिजर्वेशन इस सरकार ने दी और हमारे साथ लीगली हमारे केस को इस सरकार ने क्लियर किया। इतनी सौगातें इस सरकार ने हमें दी है, अब ट्राइब से शेड्यूल ट्राइब बनाना है वो भी यही सरकार देगी। आप अपने इस चैनल के माध्यम से इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, 2024 में पहाड़ियों को उनका इंसाफ जरूर। लैंग्वेज के बेस पे जो है किसी कम्युनिटी को ट्राइब डिक्लेयर किया जा सकता है? अरे यही तो बात है कि लैंग्वेज का जो लोचा था उसी लोचे के कारण हमें एसटी जो मिलना था 1991 में वो नहीं मिल पाया। 2019 में जीडी शर्मा साहब की जब कमीशन बैठा उसके बाद जब काम हुआ तो 2021-22 में कहा भाइयों ये तो ये कौन से लीडर थे, ये कौन से स्टेट्समैन थे, ये कौन से लोग थे जिन्होंने इस ट्राइब का इस कम्युनिटी का नाम स्पीकिंग पीपल रखा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करके लैंग्वेज का वो हमारे साथ साइन हटा दिया गया 2021 में, जम्मू कश्मीर के संविधान में अमेंडमेंट की गई और हमें पहाड़ी स्पीकिंग पीपल से पहाड़ी एथनिक पीपल कहा गया, अब लैंग्वेज नहीं है। आरजीआई ने भी कहा कि ये लैंग्वेज के नाम पे नहीं मांग रहे, ये आर्टिकल 342 के जो पैरामीटर्स है ना वो सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहे हैं, ये उसके अकॉर्डिंगली है और लैंग्वेज के आधार पे मिलता नहीं है। और इसी चीज को कंफ्यूजन में रखा गया था 2019 तक, लेकिन अब ये कंफ्यूजन क्लियर है आरजीआई एनसीएसटी की क्लियरेंस के बाद। जो एसटी कमेटी के लोग हैं उनका तो ये कहना है कि जो पहाड़ी लोग हैं उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो डिजर्व ही नहीं करते हैं एसटी, तो उनको क्यों एसटी दिया जाए, उनकी तो वो मतलब जो पर्टिकुलर कम्युनिटी से भी ताल्लुक नहीं रखने वाले। देखिए आप कुछ चीज डिजर्व करते हैं या नहीं करते, आप भारत के नागरिक हैं ये कैसे पता चलेगा? आपका इलेक्शन कार्ड देखेंगे, आपका राशन कार्ड देखेंगे, आपका आधार कार्ड देखेंगे, ऐसे ही पता चलेगा ना कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो। आपके पास इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड हो तो मैं कहूँ आप भारत के नागरिक नहीं हो तो मैं पागल या आप पागल? कौन पागल? आपके पास सब कुछ है और कोई कहे कि आप डिजर्व नहीं करते? भाई साहब एनसीएसटी की क्लियरेंस हमारे पास है, आरजीआई की क्लियरेंस हमारे पास है, जम्मू कश्मीर संविधान के अमेंडमेंट की कॉपी हमारे पास है, ये सारी हमारी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास है। अब अगर कोई कहे कि हम डिजर्व नहीं करते ये उसकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। और मेजोरिटी जो लोग हैं, मेजोरिटी लीडर्स कह रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं, ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए। अब कुछ लोग अगर कहेंगे हम डिजर्व नहीं करते, कोई कहे आपका नाम डैंग नहीं, आप शाहरुख खान हो तो भैया आपको मैं डैंग हूँ, मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, आप सब कुछ अपना शो करो तब भी कि आप शाहरुख खान हो, तो उससे आप बहस करना उचित और अनिवार्य नहीं समझते। और हम ऐसे लोग जो सारे तथ्य जानने के बाद भी कहते हैं हम डिजर्व नहीं करते, हम उन्हें कहते हैं कि आप एनसीएसटी की क्लियरेंस पढ़ लीजिए, आरजीआई की क्लियरेंस पढ़ लीजिए, आप जम्मू कश्मीर के संविधान में जो 2021-22 में अमेंडमेंट हुई है वो पढ़ लीजिए, आप सब कुछ पढ़ लीजिए, आप डीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप जीतलाल गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप
ज्यादा मोहम्मद अमीन की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप एस एल बट कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ये सारी रिपोर्टें पढ़ के आए और फिर बात करें कि हम डिजर्व करते हैं या नहीं करते। तो अब आपको उम्मीदें हैं कि में जो है नए साल में आपको तोहफा मिल सकता है? देखिए जरूर पुख्ता उम्मीदें, जब होमवर्क हो चुका है और हमारा एग्जाम का जो हमने आंसर शीट भरी है वो 100 out of 100 भरी है, जब रिजल्ट आएगा तो नंबर हमें मिलेंगे इसकी पूरी उम्मीद है। और 2024 पहाड़ियों के लिए ऐतिहासिक साल रहेगा, हमारी जो 60-70 साल की जद्दोजहद है वो एक मुकाम तक, एक पुरजोर एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ विक्रांत जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर पहाड़ी एसटी ट्राइब। आपकी सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय का मसला जरूर दें और भी सदा के अपडेट्स से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहे हैं डेली शब्द।